नौकरी जॉब। किसान और खुशहाली, क्या इन दो शब्दों में कोई समानता है? शायद नहीं। बेमौसम बारिश, सूखा, कर्ज और ना जाने कितनी परेशानियों से किसानों को दो चार होना पड़ता है, बावजूद इसके वो खुद भूखा रहकर देश का पेट भरता है। ये वही किसान है जिसने कोरोना काल में बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संभाले रखा, लेकिन फिर भी किसानों को जब अपनी मांग मनमानी पड़ती है तो उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर होना पड़ता है। अन्नदाता आज सड़कों पर है, अपनी मांगों को लेकर किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। बीते करीब एक महीने से किसान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं और सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकाला जा सका। क्या ऐसा पहली बार है जब देश में किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है? क्या ऐसा पहली बार है कि अन्नदाता को सड़कों पर उतरना पड़ा? जी नहीं, आज से पहले भी एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हुए, कभी कर्ज माफी को लेकर तो कभी फसलों का सही दाम ना मिलने को लेकर। आज से पहले भी ना जाने कितनी बार किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज हम आपको देश में हुए उन्हीं प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में बताने जा रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह। भारत में आंदोलनों का एक पूरा इतिहास रहा है, कभी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तो कभी अपने ही देश की सरकार के खिलाफ। एक के बाद एक कई आंदोलन हुए, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, नील पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं आंदोलनों में से एक था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये वही चंपारण सत्याग्रह था जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया। आज़ादी से पहले अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बगान मालिकों ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था, जिसके चलते किसानों को जमीन के 3/5 भाग पर नील की खेती करना था। इसे तिन कठिन प्रथा कहते थे। गांधी जी को जब किसानों की इस दुर्दशा का पता चला तो उन्होंने चंपारण जाने का फैसला किया। यहाँ पहुंचकर गांधी जी ने अंग्रेजों से नील की खेती बंद करने की अपील की, लेकिन उन्होंने गांधी जी की बात नहीं सुनी, जिसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता चुना। ये गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत को नील की खेती करवाने का फरमान रद्द करना पड़ा। पाबना विद्रोह। पाबना जिले के काश्तकारों को 1859 में एक एक्ट के तहत बेदखली और लगान में वृद्धि के विरोध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद भी जमींदारों ने उनसे सीमा से अधिक लगान वसूला और उनको उनकी जमीन का अधिकार भी नहीं दिया। जमींदारों के इन्हीं अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए 1873 में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया। इस संगठन का मुख्य कार्य पैसे एकत्रित कर और सभाओं का आयोजन करना था। किसानों की मांग थी कि बढ़े हुए लगान को कम किया जाए और उन पर गलत तरीकों से लगाए गए करों को समाप्त किया जाए। पाबना विद्रोह का समर्थन कई युवा बुद्धिजीवियों ने भी किया, जिनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी शामिल थे। दक्कन किसान विद्रोह। अंग्रेजों ने तो किसानों का शोषण किया ही, लेकिन अंग्रेजों के अलावा देश के ही कुछ रसूखदार लोगों ने भी पैसों के लालच में किसानों का शोषण किया, जिसके खिलाफ किसानों का गुस्सा भी देखने को मिला। 1874 से 1889 में दक्कन किसान विद्रोह भी इसी का नतीजा था। इसकी शुरुआत 1874 में शिरूर तालुका के करडहा गांव से हुई। वासुदेव बलवंत फड़के ने इसका नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के पूना समेत कई जिलों में गुजरात और मारवाड़ी रसूखदार साहूकार लगातार किसानों का शोषण कर रहे थे। साहूकारों ने किसानों को ज्यादा ब्याजों के जाल में फंसा लिया था, जिसके चलते वो किसानों के घर और जमीन पर कब्जा कर लेते थे। साहूकारों के अत्याचारों से तंग आकर किसानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बही खाते और ऋण बंधों को जला दिया गया, जिसके चलते साहूकारों और अनाज व्यापारी रातों रात गांव छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889 पारित हुआ। खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह।
आपने कई बार किसानों से लगान वसूलने के बारे में तो सुना ही होगा। आमिर खान की फिल्म लगान इसी पर आधारित है। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने खेड़ा के किसानों की समस्या दूर करने के लिए पहले वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान सरकार से लगान कम करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते 18 मार्च 1918 को एक बार फिर से गांधी जी ने बागडोर संभाली। लेकिन इस बार गांधी जी के साथ सरदार पटेल भी थे। खेड़ा के अलावा मेड़ता, बंधवो, कल्याण जी और कुंवर जी ने भी सन 1922 में गुजरात के बारडोली में किसानों ने लगान न देने को लेकर आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के समर्थन में कुनबी पाटीदार समेत सभी जनजाति के लोग आए थे। समय समय पर देश में आंदोलन होते रहे हैं। किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है, चाहे वो 2017 में हाथों में नरमुंड लिए दिल्ली के जंतर मंतर में अनशन में बैठे तमिलनाडु के किसान हो, या फिर 2018 में किसान मुक्ति मार्च के तहत देश के तमाम हिस्सों से दिल्ली के रामलीला मैदान में आए किसान, या कृषि कानून को वापस लेने की मांग में दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जुटे किसान। सूखे और कर्ज की मार झेल रहे किसानों का दिल्ली कूच जारी रहता ही है, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें दो वक्त की रोटी सुकून से खाने को मिले। आज हमने आपको देश में हुए उन प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में बताया जब किसानों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से आंदोलन हैं जो देश में हुए हैं और जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।